हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज की स्टूडियो हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के बारे में। आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें आपको कॉलेज का रैंक, ग्रेड वगैरह ये सब पता चल जाएगा, लोकेशन वगैरह के बारे में। सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे डिपार्टमेंट और सीट मैट्रिक्स के बारे में, आपको पता चल जाएगा कॉलेज हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी ब्रांचेस और इनटेक कैपेसिटी के बारे में। थर्ड नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट है कॉलेज का कट ऑफ, तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर का एमएससी सिटी का कट ऑफ देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक कैटेगरी के हिसाब से, ताकि आपको भी एक आइडिया जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका परसेंटाइल कितना गया था। फोर्थ नंबर पर हम देख लेंगे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर हर एक कैटेगरी के हिसाब से। फिफ्थ नंबर पर है हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको पता चल जाएगा इनटेक कैपेसिटी का गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, और हॉस्टल फीस और मेस चार्ज के बारे में आपको पता चल जाएगा। और छठे नंबर पर हमारा है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, अकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेंगे हर एक ब्रांच में कितना परसेंट प्लेसमेंट था, और हाईएस्ट पैकेज किया गया था, मिनिमम पैकेज किया था, और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कॉलेज का इमेज और कॉलेज की लोगो दी गई है। हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से 59 ईयर्स हो चुके हैं इस कॉलेज को। अब इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करें तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती है। लोकेशन हमारा VVMV रोड नियर कटोरा नाका अमरावती 4,44,604 में आ जाता है हमारा कॉलेज। हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, एंड अफिलेटेड बाय संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि मेंशन की गई है GCOEA.AC.IN। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारा नागपुर है, जो कि 155 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा अमरावती है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे। और नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा अमरावती है, जो कि 3 किलोमीटर पे। और कॉलेज का जो DTE कोड है 1002 है। हम कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बात करें तो कॉलेज हमें बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीटेक में हमें यहाँ पे 6-7 ब्रांचेस मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, फिर लास्ट में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर ब्रांच का जो इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पे 60 का है, तो टोटल बीटेक में हमें यहाँ पे 390 सीटें मिल जाती हैं। अगर आपको इस कॉलेज में बीटेक के बाद एमटेक भी करना है तो आप एमटेक भी कर सकते हो, एमटेक मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमटेक में भी हमें यहाँ पे 7-8 ब्रांचेस मिल जाती है, और हर एक ब्रांच में इनटेक कैपेसिटी है जो 18 की है। अब हम यहाँ पे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे लास्ट ईयर एमएससी सिटी का कट ऑफ दिया गया है। आप इस कॉलेज में JEE मेंस के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। हर गवर्नमेंट कॉलेज में आप सिर्फ एमएससी सिटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, बाकी कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो वहाँ पे आपको 15% रिजर्वेशन मिल जाता है JEE मेंस वाले लोग के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी के हिसाब से हर एक ब्रांच का कितना कट ऑफ दिया था। तो सबसे पहले हम सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओपन का कट ऑफ था 77% आ गया था, OBC का 75, SC कैटेगरी का यहाँ पे 65 गया था, ST का 45, EWS का 57 और TFWS का 79.86% आ गया था। अब हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा है, ओपन का 96.31% आए, OBC का 95 है, ST का यहाँ पे 94 है, ST का 77 है, EWS का 94 है, TFWS का 96.28 है। IT डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप कट ऑफ देख सकते हो खाली 1% कम हुए CS से। तो यहाँ पे जो IT का ओपन का कट ऑफ है 95% है, OBC का 94 है, SC का 92 है, EWS का 93 और TFWS का 95.76 है। सेम अभी कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल का भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो सिविल के कंपेयर में ज़्यादा कट ऑफ है इसका। तो जो ओपन का कट ऑफ 85% है, OBC का 83% आए, SC का 78% आए, ST का 56 है, EWS का 73 है और TFWS का 85% आए। अब ENTC डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उसका जो ओपन का कट ऑफ है 91 है, OBC का 91 है, यहाँ पे SC का 87 है, ST का 61 है, EWS का 89 है, TFWS का 90 है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो जो ओपन का कट ऑफ है 70% आइल है, OBC का 69 है, SC का यहाँ पे 6% आइल है, ST का 16 है, EWS का 54 है और TFWS का 74 है। लास्ट में हम वापस कोर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसका कट ऑफ सेम मतलब सिविल के जितना ही है। तो आप देख सकते हो ओपन का 77 है, OBC का 74 है, ST का 71 है, ST का 19% आइल है, EWS का 57 है और TFWS का 74 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों जो कोर डिपार्टमेंट है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल,
तीनों का जो कट ऑफ है यहाँ पे मतलब 80 के आसपास परसेंटाइल है, और जो सी एस से रिलेटेड ब्रांचेज जैसे सी एस आई टी हो गया, उसका ई एन टी सी, जैसे भी आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि लोग ई एन टी सी करके सी एस आई टी में ही जाते हैं, मतलब जिनको सी एस आई टी नहीं मिलता मोस्टली लोग 90% लोग ई एन टी सी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उनका तीनों का कट ऑफ आप देख सकते हो 90+ percentile है। अगर आपको कोर डिपार्टमेंट में एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में तो आपको 80 से 85 के बीच में लाना पड़ेगा परसेंटाइल, और अगर आपको सी एस आई टी ई एन टी सी ये सब डिपार्टमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको 90+ percentile लाना पड़ेगा, 95-96 ऐसे, जब भी आपका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है 15,000 दी गई है, कॉलेज की डेवलपमेंट फीस 39,850 दी गई है, और जो यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस है टोटल मिला के 30,310 है, तो टोटल जो आपकी फीस है यहाँ पे 85,160 है। अब हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मतलब मोस्टली जो रिजर्व कैटेगरी होता है उनको ऑफ मिल जाता है थोड़ा फीस में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओपन की फीस है 85,160 है, एस सी एस टी की फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो 4,810 है, वी जे डी टी एन टी 1, 2, 3 ओ बी सी एस बी सी इनकी जो फीस है यहाँ पे 44,660 है, ई बी सी एस ई बी सी ई डब्ल्यू एस की जो फीस है यहाँ पे 76,410 है, और टी एफ डब्ल्यू एस की फीस यहाँ पे 70,160 है। टी एफ डब्ल्यू एस की फीस में क्या होता है, जो ट्यूशन फीस होती है 100% ऑफ हो जाती है, और बाकी जो यहाँ पे देख सकते हो ई बी सी एस ई बी सी ई डब्ल्यू एस की फीस है इसमें आपकी ट्यूशन फीस सिर्फ 50% ऑफ हुई है, मतलब 50%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉलेज का जो यहाँ पे ई डब्ल्यू एच और टी एफ डब्ल्यू एस का जो फीस है 70,000 है, तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी यहाँ का फीस इतना ज़्यादा है। अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे जो टी एफ डब्ल्यू एस की फीस होती है वो लगभग आपका 20,000 से 30,000 के आसपास रहती है, क्योंकि उस कॉलेज में ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा होता है, अगर पूरा 80-90,000 ट्यूशन फीस होता है, और डायरेक्ट अगर ऑफ हो जाता है तो एकदम फीस आपकी कम हो जाती है 25,000 से 30,000 के बीच में। और एक गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे डेवलपमेंट फीस ही ज़्यादा है इस कॉलेज की, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या टी एफ डब्ल्यू एस से सीट मिल रही है तो आप यहाँ पे फीस देख सकते हो, अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको फीस कम लगेगी। अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें टोटल 6 हॉस्टल मिल जाते हैं, 4 बॉयज़ के लिए और 2 गर्ल्स के लिए। तो जो सतपुड़ा बॉयज़ हॉस्टल है उसमें टोटल 54 रूम्स है और इंटेक कैपेसिटी 162 स्टूडेंट की है। इस सयाद्री करके हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, टोटल 54 रूम है, इसे हम अजिंता करके उसमें भी 54 रूम है, इंटेक कैपेसिटी आप देख सकते हो तीनों की 162 है। ये AICTE हॉस्टल है उसका जो टोटल रूम है 11 है और टोटल स्टूडेंट की कैपेसिटी 44 की है, मतलब एक रूम में 4 स्टूडेंट आ सकते हैं। अब हम टोटल बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करें तो टोटल जो रूम है 173 रूम्स है और टोटल इंटेक कैपेसिटी 529 की है। सेम हम अभी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करें तो 2 यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, एक जिजाऊ करके दूसरा न्यू गर्ल्स हॉस्टल करके नाम है, तो आप देख सकते हो दोनों में जो टोटल रूम है 81 है। जिजाऊ की जो इंटेक कैपेसिटी है 243 स्टूडेंट की है और जो न्यू गर्ल्स हॉस्टल है उसका इंटेक कैपेसिटी 190 का है, तो आप देख सकते हो हमें गर्ल्स में टोटल 162 रूम्स मिल जाते हैं और टोटल इंटेक कैपेसिटी 433 की है। अब हम टोटल रूम्स देख लेते हैं, टोटल हमें 335 रूम्स मिल जाते हैं गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिला के, और इंटेक कैपेसिटी जो है हमारी गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिला के 959 रुपीस है। अब हॉस्टल के फीस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, खाली आपको स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है 500 रुपीस। बाकी जो आपका मेस का चार्ज है पर मंथ का आप देख सकते हो यहाँ पे 1500 से लेके 1800 के बीच में। अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से दिया गया है टोटल कितनी कंपनी आई थी, मैक्सिमम पैकेज क्या गया था, एवरेज पैकेज क्या गया था और मिनिमम पैकेज क्या गया था। तो सबसे पहले हम 2017-18 की बात करें, टोटल 37 कंपनी आई थी, 18-19 में 31 कंपनी आई थी, 19-20 में 30 कंपनी आई थी, 2021 में 57 कंपनी आई थी, 2022 में 67 कंपनी आई थी। तो आप देख सकते हो हर साल यहाँ पे कंपनी जो इंक्रीज होती जा रही है लास्ट 2 ईयर से देखोगे तो पहले 30 के आसपास आती थी, अब 67 मतलब सीधा डबल हो गया है। मैक्सिमम पैकेज भी आप देख सकते हो यहाँ पे 2018 में यहाँ पे 7 लाख गया था, 2019 में 15 लाख गया था, 20 में 17 लाख गया था, 2021 में 18 लाख गया था, और लास्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हो 14.5 लाख गया था। ये LPA मतलब पूरे साल की इनकम है। और आप यहाँ पे कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो भी देख सकते हो, 2018 में 4 लाख के आसपास था, 18-19 में 3 लाख था, 19-20 में 4.5 लाख था, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 21 में भी 4.5 लाख था, और 2022 में 5.72 लाख था। तो मतलब आप एवरेज पैकेज का अंदाज़ा लगा सकते हो 4.5 से लेके 5 के आसपास है। अब मिनिमम पैकेज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो जो मिनिमम पैकेज है कॉलेज का 2.40 से लेके 3.40 तक गया है। अब हम अकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेते हैं टोटल हर ब्रांच में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर 21 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, उसके पहले आप देख सकते हो 13 बच्चे का, 5 बच्चे का, 2 बच्चों का, 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था।
मैकेनिकल का भी आप देख सकते हो लास्ट ईयर 42 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, उसके पहले इसका हाफ था सीधा। इलेक्ट्रिकल का भी सेम आप देख सकते हो, पहले 6 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 18 में, 19 में 18 बच्चों का हुआ था, 20 में 19 बच्चों का हुआ था, और 2022 में मतलब लास्ट ईयर में 27 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। ENTC डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उसका लास्ट ईयर में 47 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और उसके पहले 33 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 26, 29, 31। और यहाँ पे आप देख सकते हो CSIT की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे CS का 51 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, IT का 63 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो CSIT का प्लेसमेंट है यहाँ पे 40 प्लस है हर साल। और ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 18 में 147 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 18-19 में 172 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 19-20 में यहाँ पे 165 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2020-21 में 195 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2021-22 में 251 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता देना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।